दोस्तों यहाँ पे जो वेल्डिंग मशीन है इसका मॉडल देख सकते हैं MM A300। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं देखने को मिल रहा है, कोई भी लाइट वो नहीं चल पा रहा है। तो सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं, स्विच को ऑन करते ही यहाँ पे सीरीज बल्ब ऑन हो गया, यानी कि ये फुल स्टार्टिंग है। एक बार फिर से देख लीजिए, ऑन के बाद वहाँ सीरीज बल्ब पूरी तरीके से एकदम ग्लो कर रहा है, जल रहा है, यानी कि ये फुल शॉट बता रहा है यह वेल्डिंग मशीन। तो आज इस वीडियो में मैं इसी का समाधान करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉल्ट हो सकता है ब्रिज या फिर मॉसफेट। तो यहाँ मल्टीमीटर की सहायता से हम इसको चेक करेंगे और इसको फुल रिपेयरिंग करके आपको दिखाने वाले हैं, बन रही है इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर के एसी पे चेक करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही बता रहा है और डीसी पर बीप कर रहा है और रीडिंग थोड़ा सा कम दे रहा है, यानी कि आगे मॉसफेट वगैरह स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इस मॉसफेट पे हम चेक करते हैं, बीप आ रही है, इस पर भी दोनों पर बीप आ रही है, यानी कि यह मॉसफेट स्टार्ट है। इस मॉसफेट को मैं बाहर निकाल लिया हेडसिंक से, इसके बाद मैं इसको फिर से चेक करूंगा कि यह स्टार्ट है फिर नहीं स्टार्ट है। डिजिटल मल्टीमीटर को मैं बीप वाले रेंज में रख के अब मैं इस मॉसफेट को चेक करूंगा, यहाँ पे बीप आ रहा है। किसी भी एंगल से मैं इस पर मल्टीमीटर के प्लाट को रख रहा हूँ लेकिन बीप की आवाज आ रही है, यानी कि यह मॉसफेट पूरी तरीके से शॉर्ट हो गया है। यहाँ पे तीन डायोड लगा हुआ है और राइट साइड में जो यहाँ पे सिंगल है यह है मॉसफेट, तीन डायोड और एक मॉसफेट। तो यहाँ पे मैं मॉसफेट वाले को सबसे पहले चेक करूंगा कि इसकी क्या रिस्पांस है, यह भी शॉर्ट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे इसका रीडिंग जीरो बता दे रहा है और बीप भी आ रहा है किसी भी एंगल से, यानी कि यह भी शॉर्ट है। वही मैं अगर डायोड पे देखूं तो इसका सेक्शन अलग है, यह सभी डायोड सुरक्षित है और सही है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। मैं तीसरा को भी देखूंगा लास्ट, यह भी बिल्कुल तरीके से सही है। तो यह मॉसफेट शॉर्ट है, मैं दोनों मॉसफेट को निकाल लिया हूं बाहर, एक को मैं पहले चेक कर लिया था जो कि सही है, अभी इस दूसरे वाले को भी मैं चेक करूंगा और इसके जगह पे मैं चेंज कर दूंगा न्यू वाला। न्यू वाले को हम किस प्रकार से इसका रीडिंग को देख सकते हैं और ठीक उसी तरीके से हम पुराने वालों को भी रीडिंग चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं पुराना वाला मॉसफेट देखूं तो मैं किसी भी एंगल से इसको चेक कर ले रहा हूं तो यह शॉर्ट बता रहा है, बिल्कुल शॉर्ट। वही मैं अगर न्यू वाले को देख रहा हूं तो यहाँ पे बिल्कुल सही बता रहा है, वैसे नया वाला तो माल भाई फ्रेश रहता ही है। तो इसको मेन रीडिंग चेक करेंगे इसका कामन को बीच में रख करके और लाल वाले के साइड में रख करके देख लेंगे इसके पिन पे, ठीक उसी प्रकार से दूसरे वाले को भी हम चेक करेंगे, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले जब एक बार और यह वेल्डिंग मशीन मेरे पास रिपेयरिंग करने के लिए आया था तो इसके सर्किट बोर्ड में एक आईसी लगा हुआ था 626, यह आईसी खराब हो गया था। तो मैं इसके जगह पे चाइना सप्लाई 3 तार लगाया हूँ मॉड्यूल, इसके 5, 6, 7, 8 वाले पे मैं ब्लैक लगाया हूँ और यहाँ 4 वाले पिन पर मैं लाल कलर का वायर को लगा दिया हूँ। इसका जॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हरा वाला है ये ब्लैक से कनेक्टेड है, रेड से कनेक्टेड है वायर से, यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट कर दिया हूँ पेच के माध्यम से। अब एक बार फिर से मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ, क्या ये वास्तव में सही हो गया है कि नहीं। स्विच को ऑन कर रहा हूँ, सीरीज बल्ब नहीं जला है और यहाँ पे यह पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है यह मशीन। इसके डिस्प्ले पे लाइट भी जल रहा है, पावर की भी LED ग्लो कर रही है जो कि पहले ग्लो नहीं करती थी। इसको हम
मल्टीमीटर की सहायता से इसको हम माप लेते हैं, इसमें आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उससे पहले मैं बता दूं कि यह वेल्डिंग मशीन लोड अच्छी तरीके से नहीं ले पा रहा था। इसका वजह है इसके पीसीबी बोर्ड में यह जो माइनस वाला कनेक्टर है, यह स्पार्क होते होते यहाँ पे पीसीबी इसका जल गया था। तो मैं एक मोटे वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, सोल्ड कर दिया, जिससे अब यह अच्छा एम्पियर लेगा। दोस्तों इसका फैन भी कंप्लीट है पूरी तरीके से, अब इसका हर चीज कंप्लीट हो ही चुका है। आप देख सकते हैं ऑन ऑफ स्विच भी बहुत बराबर तरीके से काम तो पहले से ही कर रहा था, अब यह कंप्लीट हो गया है। आइए अब इसको हम नाप लेते हैं इसका आउटपुट। डीसी की रेंज में मैं यहाँ पे रखा हूँ मल्टीमीटर को, यहाँ पे 53 वोल्ट आउटपुट डीसी कर रहा है, जो कि यह अच्छा आउटपुट करेगा यह वेल्डिंग मशीन। दोस्तों यह वेल्डिंग मशीन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा एक छोटे फॉल्ट के माध्यम से यह वेल्डिंग मशीन काम नहीं कर रही थी, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अगर आपका भी वेल्डिंग मशीन इस तरीके से फॉल्ट है तो आप इसे रिपेयरिंग कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो में बस यही तक दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।